हाय एवरीवन तो ये जो आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट ईयर एसएससी में पूछा गया था लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन दसवीं क्लास का है और बेसिकली एन टी और ओलंपियाड्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और ये भी फाइन करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ एक एक दो फॉर्मूले पर बेस्ड है जैसा कि हमें एक फार्मूला आता है हमने दसवीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है ये वन होता है और हमें कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करना आता है और साइन थीटा को कॉस् थीटा में कन्वर्ट करना साइन थीटा को कॉस थीटा में और कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करना आता है ये हमें पता है कॉस नाइनटी माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा एंड साइन नाइन्टी माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा ये हमने पढ़ लिखा पढ़ लिया है ये पहले से ही ठीक है हम इन तीन फार्मूलों का यूज़ करके हम इसकी वैल्यू बताएंगे तो हमें पास बेसिकली क्वेश्चन ये है हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें बताना है कि साइन स्क्वायर ये टेन डिग्री है बेसिकली ये टेन डिग्री था जो कि प्रिंट नहीं हुआ है कोई नहीं तो साइन स्क्वायर टेन डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ट्वेंटी डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री है ये सारे ठीक है प्लस साइन स्क्वायर फोर्टी डिग्री प्लस साइंस स्क्वायर फिफ्टी डिग्री प्लस साइंस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री प्लस साइंस स्क्वायर सेवेंटी डिग्री प्लस साइंस स्क्वायर एटी डिग्री हमें इसकी वैल्यू बतानी है ये कितना होगा तो मैं एक मैं एक बार एक कलर चेंज कर लेता हूँ और फिर इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कैसे करूँगा मैं इसको चेंज करके साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस नाइन्टी माइनस थीटी लिख सकता हूँ और उसका होल स्क्वायर तो मैं साइंस स्क्वायर टेन डिग्री को मैं साइंस स्क्वायर टेन डिग्री को क्या लिख सकता हूँ कॉस नाइन्टी डिग्री माइनस टेन डिग्री का होल स्क्वायर यही तो है बेसिकली और सेम वैसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूँ तो हम इसको देखते हैं कि ये कित, ये कितना बन रहा है ये कितना बनेगा ये बनेगा कॉस स्क्वायर एटी डिग्री ये बनेगा और सेम ऐसे ही ये नाइन्टी माइनस ट्वेंटी कितना हो जाएगा कॉस सेवेंटी डिग्री कॉस स्क्वायर सेवेंटी डिग्री वैसे ही जो ये है कॉस थर्टी नाइन्टी माइनस थर्टी कितना बनेगा ये सिक्सटी डिग्री बन जाएगा वैसे ही ये कितना बनेगा फोर्टी डिग्री है तो इसका मतलब है साइंस स्क्वायर ये फिफ्टी डिग्री बन जाएगा और सब, बाकी सबको हम ऐसे ही रहने देते हैं ये साइंस स्क्वायर सॉरी ये कॉस स्क्वायर फिफ्टी डिग्री बन जाएगा इसको एक बार रफ कर देते हैं और ये साइंस स्क्वायर फिफ्टी डिग्री ऐसी रहेगा प्लस ये साइंस स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम आप ये सोचेंगे कि हम क्वेश्चन जो है उसको हम किस तरीके से सिंपलीफाई कर सकते हैं तो हमने कुछ इस तरीके से इसको चेंज कर लिया है अब देखो अब हमें फार्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा ये दोनों सेम ही है अगर देखा जाए तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन हमें पता है क्योंकि थीटा सेम है दोनों के लिए और ये फार्मूला हमें पता हुआ पता है साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है ये हमें पता है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा वन सेम ऐसे ही ये और साइंस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी वन और सेम ऐसे ही ये और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी वन और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी वन तो बेसिकली हमने कितनी बार ऐड किया है वन टू थ्री एंड फोर टाइम्स तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा फोर तो ये सिंप्लीफाई हो गया है ये एम में क्वेश्चन आया हुआ था कि इसका फाइनल वैल्यू कितना होगा तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा ये आएगा फोर ठीक है तो ये था कुछ सिंपल क्वेश्चन है ये जो एस एस सी में पूछ लिए जाते हैं या फिर बहुत बार आपके जो एन टी एस सी जे एस टी एस सी एन एम एम एस का एग्जाम हो गया उन सब क्वेश्चन उन सब एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ताकि ये थोड़े से ट्रिकी थोड़े टफ दिखते टफ़ जरूर है लेकिन होते नहीं हैं तो इसलिए इनको वहाँ पर पूछ लिया जाता है बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इन क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को बाकी कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है बाकी और कौन कौन से तरीक़े हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग